सिटी बस अरसे बाद रीवा की सड़कों पर नजर आई, आते ही विवाद के घेरे में आ गई। ऑटो चालकों ने मंत्री का किया घेराव। नगर निगम प्रशासन ने काफी जद्दोजहद के बाद रीवा में सिटी बस का संचालन प्रारंभ किया। सांसद रीवा ने शहर के पुराने बस स्टैंड से सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर शहर के लिए रवाना किया। आम यात्रियों के लिए 4 बसों को चलाया गया। सिटी बस को रीवा शहर के अंदर ना चलाकर रेलवे स्टेशन से शहर को जोड़ने वाले आसपास के कस्बों तक चलाने का निर्णय लिया गया, जैसे बैकुंठपुर, गोविंदगढ़, रायपुर, करचुलियान, मुकुंदपुर। सिटी बस एक दिन भी नहीं चली, विवादों के घेरे में आ गई। इस बार सिटी बस के सामने ऑटो वाले खड़े हो गए। ऑटो वालों का कहना था सिटी बस का संचालन रेलवे स्टेशन से होगा तो उन्हें सवारी नहीं मिलेगी। ऑटो संघ लामबद्ध हो गया। मंत्री को रीवा पहुंचते ही घेर लिया गया। आश्वासन मिल गया सिटी बस रेलवे स्टेशन नहीं आएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी था, यह स्थिति क्यों बनी, इसका निराकरण कैसे हो सकता है। रीवा दर्शन की टीम जा पहुंची रीवा शहर के पूर्व विधायक मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह के पास। आज मैंने देखा सोशल मीडिया में के कुछ घेराव हुआ माननीय मंत्री जी का। दुर्भाग्य से थोड़ी सी प्लानिंग में गलती हुई है, क्योंकि आज से लगभग कई वर्षों से पूरे शहर में नगर बस सेवा के नाम पर बस स्टैंड तो बने हैं, तो उसका मतलब ये तो निश्चित था कि बसेस आनी ही थी। तो बेहतर ये होता कि आरटीओ डिपार्टमेंट और प्रशासन इस बात का ख्याल रखते कि या तो ये सेट कर लेते एक लिमिट कि भाई इतने ही ऑटो आपके शहर में आएंगे और इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, और या तो फिर इसको कैंसिल कर देते। अब हो ये गया है कि सारे लोगों ने दूर दराज से आकर, जो बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हैं वो आके यहाँ ऑटो चला रहे हैं, अपनी सारी पूंजी बंद कर दिए हैं, अपना सारा काम बंद कर दिए हैं। अब उनकी केवल जीविकोपार्जन के लिए उनका वो ऑटो है जिससे उनका परिवार चल रहा है, तो ये अब बहुत उनके लिए भी मुश्किल हो गई है। और अब इतनी लेट जब ये नगर बस सेवा शुरू हो रही है, तब तक लगभग रीवा शहर में 5000 से ज़्यादा ऑटोज आ चुके हैं। अब ओवर फ्लडिंग हो गई है, लेकिन इसका चूंकि कोई भी लिमिट सेट नहीं हुई थी तो इसमें ऑटो वालों की कहीं से कतई कोई गलती नहीं है, और उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो ये मांग करें कि हमको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अगर रोक दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हम लोग आए थे यहाँ से, आज से सिटी बसों का संचालन हो रहा है रेलवे स्टेशन से। ऑलरेडी पहले से 3 और 4-5 बसें चल रही थी, इसके बावजूद भी हम लोग परेशान हो रहे थे, सवारियां नहीं मिल रही थी और गरीबों का शोषण किया जा रहा था। हम ऑटो चालक आज ये तय कर लिए थे कि आज अगर सिटी बस के संचालन हो रहा है तो हम पूरे शहर का चक्का जाम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। इसके पहले हम मंत्री जी ने मिला हमको, रेलवे स्टेशन में मंत्री जी ने मिले, उनसे उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ आइए, हम जहाँ तक स्थित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आया जब, तो मंत्री जी ने ये हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि एक भी बसें नहीं चलेंगी रेलवे स्टेशन से, ना सीधी वाली चलेगी, ना हनुमाना वाली चलेंगी, और ना ये नगर बस सेवा चलेगी। इसके बाद अगर चलती है तो फिर आप मेरे पास आइएगा। तो हम लोग अब यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे, अगर सिटी बसों का संचालन होता है तो हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, कमिश्नर को सौंपेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे हम लोग।